मूवी की शुरुआत एक किंगडम से होती है जिसका नाम लेमिया होता है, जहां एक घर में एक क्यूट सी लड़की पैदा होती है। इसका नाम एला रखा जाता है। एक दिन एला की फेयरी गॉड मदर ल्यूसिंडा एला को देखने के लिए आती हैं। एला के रोने की वजह से ल्यूसिंडा इरिटेट हो जाती है और एला को आज्ञाकारी होने का गिफ्ट दे देती है। आज्ञाकारी होने का गिफ्ट मिलने पर एला को जो भी कहा जाता है, वो चाहती हो या ना चाहती हो, उसे फौरन पूरा करना पड़ता है। वक्त गुजरता जाता है और एला को मिला ये गिफ्ट उसके लिए धीरे धीरे श्राप बन जाता है। एला को अपने इस बिहेवियर की वजह से हर वो चीज भी करनी पड़ती है जो वो नहीं करना चाहती। ये सब एला को बहुत डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। अचानक एला की मदर बहुत बुरी तरह बीमार हो जाती हैं और मरने से पहले वो एला से एक वादा लेती हैं कि इस गिफ्ट के बारे में वो किसी को ना बताए, इस डर के साथ कि कोई इसको एला के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। और वो एला को अपना एक नेकलेस भी देती हैं जिसको गले से लगाए एला बड़ी हो जाती है। एक दिन एला के फादर पीटर उसे बताते हैं कि उनके हालात खराब होने की वजह से उनके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो इस घर को बेच दें या किसी अमीर औरत से शादी कर लें। और एला के फादर बताते हैं कि उन्होंने शादी करने का फैसला किया है। एला अपने फादर की खुशी के लिए मान जाती है। ओल्गा अपनी बेटियां हैटी और ओलिव के साथ वहां रहने आ जाती है। ओल्गा एला से बिल्कुल भी अच्छे से नहीं मिलती है। हैटी और ओलिव भी पूरा सौतेली बहने होने का प्रूफ देते हुए एला को तंग करने लग जाती हैं। उन्हें एला के गिफ्ट का पता तो नहीं होता है, लेकिन वो जो भी बोलती हैं एला को वो सब करना पड़ता है। इसी दौरान में हैटी एला से उसकी मदर का नेकलेस भी ले लेती है। और एक दिन एला के फादर बिजनेस के सिलसिले में किंगडम चले जाते हैं। हैटी एला के आज्ञाकारी होने का फायदा उठाते हुए उसे जहां मौका मिलता है उसे बेइज्जत करवाती है। दूसरी तरफ प्रिंस चार्ल्स और उनके अंकल एडगर को दिखाया जाता है। चार्ल्स के फादर की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, तब से चार्ल्स और किंगडम को एडगर ही संभाल रहा है। यही वजह है कि चार्ल्स एडगर पे आंखें बंद करके भरोसा करता है। एडगर चार्ल्स को फ्रेल लेकर आता है, जहां पर हैटी और एला की क्लास की बाकी लड़कियां चार्ल्स के नाम पे फैन क्लब बनाए बैठी होती हैं, क्योंकि वो किंगडम का सबसे हैंडसम लड़का होता है और साथ ही एक प्रिंस भी। मगर एला उन सबसे अलग होती है। उसे चार्ल्स और उसके अंकल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो किंगडम को बर्बाद कर रहे हैं। और एला का यही एटीट्यूड चार्ल्स को पसंद आ जाता है। चार्ल्स अपनी स्पीच देने के बाद सब लड़कियों से बचते हुए भागने पर एला से जा मिलता है। चार्ल्स बस एला को इम्प्रेस करने में लगा होता है, जबकि एला सिर्फ उसे इग्नोर करके बस वहाँ से जाना चाहती है। इस पर चार्ल्स एला को रोड के बीच में उसका वेट करने को बोल के वहाँ से चला जाता है। और एला अपने गिफ्ट की वजह से वहाँ से हिल नहीं पाती है। तभी अचानक एक घोड़ा गाड़ी बहुत तेजी से उसकी तरफ आती है, मगर बेचारी एला कुछ नहीं कर पाती। तभी चार्ल्स हीरो की तरह एंट्री देते हुए एला को बचा लेता है, मगर वो ये नहीं समझ पा रहा होता है कि एला वहाँ से हटी क्यों नहीं। इससे पहले चार्ल्स एला से कोई बात कर पाता, हैटी वहां आकर एला को ओलिव के साथ वापस भेज देती है। हैटी बहुत हद तक समझ चुकी होती है कि वो एला को जो भी बोलेगी एला वही करेगी। इस बात का फायदा उठा के हैटी एला को एक शॉप से सैंडल चुरा के भागने को कहती है, जिस पर सोल्जर्स एला को अरेस्ट कर लेते हैं और ओल्गा एला की जमानत करा के घर लाती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है। हैटी एला को ये कहने पर मजबूर कर देती है कि ये सब उसकी बेस्ट फ्रेंड अराइडा की वजह से हुआ है, जिस पर एला उसे एराइडा से दूर कर देती है। एला को इस तरह उदास देख उसकी हाउस होल्ड फेयरी मैंडी उसे एक बुक दिखाती है, जो कि असल में उसका बॉयफ्रेंड होता है, जो कि गलत मैजिक स्पेल की वजह से एक बुक बन जाता है। एला बैनी को साथ ले जाकर ल्यूसिंडा को ढूंढकर कन्विंस करने को कहती है, ताकि वो दिया गया श्राप वापस ले ले। और तभी एला को बैनी की मदद से पता चलता है कि ल्यूसिंडा जायंट विल में एक वेडिंग अटेंड कर रही है। एला फौरन वहां के लिए निकल जाती है। रास्ते में एला कुछ लोगों को एक एल्फ को परेशान करते हुए देखती है। एला उन लोगों को अपने जूडो कराटे की मदद से वहां से भगा देती है और एल्फ को बचा लेती है, जिसका नाम स्लेनिन होता है, जो उसे अपने साथ अपने गांव ले जाता है। स्लेनिन एला को बताता है कि वो एक लॉयर बनना चाहता है, मगर उसे बाकी एल्फ की तरह एक एंटरटेनमेंट बनने के लिए फोर्स किया जाता है। स्लेनिन पे ये भी रिवील हो जाता है कि वो बुक कोई आम बुक नहीं बल्कि बैनी है। इधर प्रिंस चार्ल्स एला के लिए कोरोनेशन बॉल का इन्विटेशन भेजता है, जो ओल्गा मैंडी से ले लेती है। ओल्गा अपनी डॉटर्स को वहां ले जाने का डिसाइड करती है। एला और स्लेनिन जब गांव से निकल रहे होते हैं, तभी वो सोल्जर्स को एल्फ को बहुत बुरी तरह मारते हुए
हुए अपने साथ पैलेस ले जाते देखते हैं, ताकि वो बॉल पे लोगों को एंटरटेन कर सके। एला को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। आगे बढ़ने पर एला और स्लेनिन पे ऑगर्स हमला कर देते हैं और स्लेनिन को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं, पर एला को उबलते हुए पानी में डालकर अपना खाना बनाने ही वाले होते हैं कि चार्ल्स फिर एक बार हेरोइक एंट्री देते हुए अपनी हीरोइन को बचा लेता है। ऑगर के साथ चार्ल्स एक बहुत ही कमाल की फाइट करते हुए उसके हथियार तोड़ते हुए तलवार उसके गले पे रख देता है। चार्ल्स के फादर्स को मारने वाले ऑगर्स ही होते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें जिंदा जाने देता है। चार्ल्स के जख्म देखकर एला उसे पट्टी बांधती है। चार्ल्स को जब पता चलता है कि वो जाइंटविल जा रही है तो वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। एला तो मना कर देती है, मगर स्लेनिन के कहने पर उसे चार्ल्स को हाँ कहनी पड़ती है, जिसके बाद वो लोग अपने आगे का सफर चार्ल्स के साथ शुरू करते हैं। रास्ते में स्लेनिन चार्ल्स से अपने लॉयर बनने की बात करता है। चार्ल्स उसे इस बारे में उसके अंकल से बात करने को कह देता है। ये देख एला को बहुत गुस्सा आता है कि वो किंग बनने वाला है और उसे लोगों की प्रॉब्लम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उतनी देर में वो लोग जाइंटविल पहुंच जाते हैं, जहां सोल्जर्स को ऐसे जाइंट्स को टॉर्चर करता देख चार्ल्स बहुत हैरान हो जाता है। वेडिंग में पहुंचकर एला को पता चलता है कि ल्यूसिंडा वहां से जा चुकी है। एला उदास हुई वहां से जाने की बात करती है तो उसे चार्ल्स उसे रात को उसके साथ रुकने को कहता है। इधर एला के दिल में भी चार्ल्स के लिए एहसास पैदा हो चुके होते हैं, इसीलिए वो रुक जाती है। दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। चार्ल्स एला को अपने साथ लैमिया बॉल पर चलने को कहता है और एला मान जाती है। अगले दिन दोनों कैसिल पहुंचते हैं, जहां एला की बहनें भी बॉल अटेंड करने पहुंच चुकी होती हैं और सब लड़कियों के साथ पैलेस का टूर कर रही होती हैं। चार्ल्स के पैलेस में एंटर होते ही सारी लड़कियां उसकी तरफ भागती हैं। चार्ल्स ये देख एला को लेकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। चार्ल्स एला से कहता है कि वो गार्ड्स भेजकर ल्यूसिंडा को ढूंढ लेगा, जिसके बाद वो एला को एडगर से मिलवाता है। चार्ल्स एला को रिकॉर्ड रूम में ल्यूसिंडा का एड्रेस देखने के लिए छोड़कर खुद एडगर के साथ क्राउन की फिटिंग के लिए चला जाता है। वहां वो एडगर को बताता है कि वो एला को बॉल पे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, उसी जगह पे जहां उसके फादर ने उसकी मदर को शादी के लिए प्रपोज किया था। एडगर ये जान के ज्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि उसे एला के चार्ल्स की लाइफ में आना और चार्ल्स के अंदर बदलाव, किंगडम के बारे में सवाल जवाब पसंद नहीं आता है। उसे लगता है कि एला उसके लिए खतरा बन सकती है। एला को रास्ते से हटाने के लिए वो हैटी और ओलिव को मिलने बुलाता है। एडगर हैटी से कहता है कि अगर वो इसकी हेल्प करेगी तो वो हैटी की शादी चार्ल्स से करवा देगा। हैटी का तो यही सपना होता है, इसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और वो ऐसा ही करती है। हैटी एडगर को बता देती है कि वो एला को जो भी ऑर्डर देगी एला वो करेगी। ये जानकर एडगर को एक आइडिया आता है और वो सीधा एला के पास जाता है। पहले तो एडगर एला को अजीब अजीब ऑर्डर्स देकर चेक करता है कि हैटी की बात सच्ची है या नहीं, जिसके बाद वो एला को बताता है कि चार्ल्स आज रात उसे प्रपोज करने वाला है। एला हैरान खड़ी बस एडगर की बातें सुन रही होती है। तभी एडगर एला से कहता है कि वो उसे हाँ नहीं बोलेगी, बल्कि उसी वक्त उसकी जान ले लेगी। ऐसा करने के लिए वो उसे एक चाकू भी देता है। एला ना चाहते हुए भी वो एडगर के ऑर्डर पे वो चाकू ले लेती है। तभी एडगर एला को बताता है कि चार्ल्स के फादर को मारने वाला भी वही है और वो अब चार्ल्स को भी रास्ते से हटाना चाहता है, ताकि सारे किंगडम पर अकेला ही राज कर सके। एला समझ नहीं पा रही होती है कि वो अब क्या करे। वो एडगर की बात भी नहीं मान सकती है, इसीलिए फौरन पैलेस से निकल जाती है। एक होटल में बैठी वो चार्ल्स के लिए एक लेटर लिखती है, जिसमें वो उससे सारे रिलेशंस खत्म करते हुए बाय बोल देती है। उसे बस किसी भी तरह मिडनाइट तक का टाइम गुजारना है, ताकि ये ऑर्डर का टाइम निकल जाए और चार्ल्स को कुछ भी ना हो। ऐसा करने के लिए वो स्लेनिन से कहकर खुद को पैलेस से दूर एक पेड़ पर बंधवा लेती है, जिससे वो वहां से हिलकर भी पैलेस तक जा ही ना सके। साथ ही वो स्लेनिन से कहती है कि वो फॉरेस्ट वापस जाकर जितने हो सके एल्फ, जाइंट्स और ऑगर्स को जमा करके अपने साथ पैलेस ले जाएं और चार्ल्स को एडगर से बचाएं। स्लेनिन उसकी बात मान के फौरन मदर ढूंढने निकल जाता है। चार्ल्स एला का लेटर मिलने की वजह से उदास बैठा होता है और बॉल पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। रात का वक्त हो जाता है और एडगर के ऑर्डर का टाइम पास आ रहा होता है, जिस पर एला पेड़ से बंधे होने की वजह से भी ट्री से हिलने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक वहाँ ल्यूसिंडा आ जाती है, जो कि एला की कोई बात नहीं सुनती और उसे आजाद कर देती है और एक अच्छा सा ड्रेस पहनाकर बॉल पर जाने के लिए कहती है। एला के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और वो ना चाहते हुए भी पैलेस के लिए निकल जाती है। एला को पैलेस में देख चार्ल्स बहुत खुश हो जाता है। चार्ल्स के ऑर्डर करने पर एला को उसे अपने दिल की बात बतानी पड़ती है, जिसके बाद चार्ल्स उसे उसी जगह ले जाता है जहां उसके फादर ने उसकी मदर को प्रपोज किया था। चार्ल्स एला को बहुत ही क्यूट वे में प्रपोज करके
हक करता है। तभी एडगर के ऑर्डर पूरा करने का टाइम हो जाता है। एला चाकू निकाल के उसे मारने ही वाली होती है, मगर वो ऐसा करना नहीं चाहती है, इसीलिए खुद से लड़ते हुए वो चाकू को फेंक देती है और चार्ल्स चाकू को देखते हुए उसे दगाबाज समझते हुए अरेस्ट करवा देता है। स्लेनिन एल्व्स, ऑगर्स और जाइंट्स को लेकर वहां पहुंच जाता है और पैलेस में एंटर होकर एला को आजाद करवाता है। बैनी की मदद से एला को पता चलता है कि एडगर ने क्राउन पे जहर लगा दिया है। ये देखकर एला फौरन मेन रूम की तरफ भागती है ताकि चार्ल्स की जान बचा सके। उसे वहां तक पहुंचाने में उसकी फ्रेंड्स मदद करती हैं। ये देख एडगर का पालतू सांप इमरजेंसी बटन दबाकर रेड गार्ड्स को बुला लेता है। एला को ऐसे मुश्किल में देख चार्ल्स से रहा नहीं जाता और वो फिर से उसे बचाने चला जाता है। इधर मैंडी को बैनी मिल जाता है, जिसे वो मैजिक स्पेल से वापस इंसान में बदल देती है। एला चार्ल्स को एडगर का सच बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि एडगर ने ही उसके फादर को मारा है। चार्ल्स ये सब सुनकर अपना होश संभाल ही रहा होता है कि तभी एडगर का पालतू सांप चार्ल्स को डसने ही वाला होता है, जिससे एला उसे बचा लेती है। एडगर के सांप की इस हरकत से सब साफ साफ चार्ल्स के सामने आ जाता है। ये देख एडगर खुद भी सच बोल देता है और जोश में आकर जहर वाला क्राउन खुद ही पहन लेता है, जिस पर तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। चार्ल्स एला को सबके सामने प्रपोज करते हुए उसे किस करता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है और यही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।